हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा एंड यू आर वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं अपने साथ आपको ले चलता हूँ बीएड कॉलेज और वहाँ का नजारा दिखाया जाएगा। उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे क्या वहाँ पे स्पेशल है। हम उसी गाड़ी के अगल बगल अक्रॉस कर रहे हैं, तो अभी हाजीपुर जाना है 52 किलोमीटर। चलिए निकलते हैं। हालांकि आज का मौसम काफी सही हो रखा है। वैसे धूप तो बहुत तेज है, लेकिन ठंडी हवाएं भी उतनी ही चल रही है। ये गांव का इलाका है और इस गांव में बहुत अंदर जाने पे मुझे बीएड कॉलेज मिलेगा। गर्मी इतना ज्यादा, धूप भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक चौक से स्टीम उठाया है, यही यहाँ अवेलेबल था। इसको पीते हैं, थोड़ा सा राहत मिलेगा। कहीं दूर दूर तक एक चापा का लेक, नल, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं। पता नहीं इतना अंदर कॉलेज क्यों ओपन किया गया। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बीएड कॉलेज। गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत ही तेज़, शक्ल पे एकदम पता लग रहा होगा आप लोगों को। और ये मैडम खड़ी है अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए, हाय बोल रही है। ठीक है, मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ पूरा, कैसा रास्ता है, कॉलेज में क्या व्यवस्था है, क्या फील्ड है, क्या प्ले है, क्लासेस वगैरह भी मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा अगर अलाउड होगा तो। एडमिट कार्ड तो मिल गया है, अभी हम लोग कॉलेज से बाहर निकले हैं, मुजफ्फरपुर को जाएंगे। हमारे एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पर 10-15 दिन का कुछ एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, तो वहाँ पर स्टे करना है, फिर वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ की जर्नी में। तो दोस्तों, हमें लगी है जोरो की भूख और रास्ते में अभी एक अपना होटल रेस्टोरेंट दिखा था, यहाँ पर रुकेंगे और देखो। अभी मैं करूँगा इसका टेस्ट और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट है नहीं। होटल का खत्म, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना प्लीज।